महाभारत तो हम सभी ने सुना है, देखा भी है, कई कई बार देखा है। तो जब अर्जुन के साथ साथ बाकी सब पांडव थे, सभी थे, सभी को चिड़िया की आंख को लक्ष्य बनाना था, तो सिर्फ अर्जुन ही एक थे जिनको चिड़िया की आंख दिख रही थी। बाकी किसी किसी को तो पूरा पेड़ दिख रहा था, किसी को तो पेड़ के आसपास भी दिख रहा था। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बहुत ज़्यादा योग्य थे सिर्फ, ये भी है कि उनका ध्यान भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। और यही बात मीन राशि के लिए है कि ये जो बहुत ही बड़ा परिवर्तन राहु का जो 18 साल बाद हो रहा है, जो कि आपका 2-3 साल रहने वाला है, 30 अक्टूबर 2023 के शाम से लेकर आप कह सकते हो कि 2025 के मई तक जो जाएगा, इतना बड़ा परिवर्तन बहुत ऊपर आपको ले जा सकता है, बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि सारे जितने भी जोडियाक हैं उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन आपके लिए ही है, क्योंकि आपके राशि में ही, आपके पहले भाव में ही राहु आ रहे हैं, तो ये समय आपको बहुत ऊपर ले जा सकता है या फिर नीचे भी ले जा सकता है। अगर आप ऐसे वीडियो देख रहे हैं जिसमें सिर्फ यही बताया गया कि भैया पहले सब बुरा चल रहा था और अब राहु गुरु से चंडाल जो भंग हुआ है, अब बस तरक्की ही तरक्की होगी, तो ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कुछ अच्छा भी जा सकता है और नेगेटिव भी जा सकता है। क्या हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा जाएगा या उसके चांस बढ़ जाएंगे, वो मैं बताऊंगा। और अगर हमने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं रखा तो चीज़ें थोड़ी नेगेटिव भी जा सकती है, और क्यों जा सकती हैं ये भी देखेंगे। देखिए, मीन राशि काल पुरुष का 12वां भाव है जो कि अज्ञात भाव है। ऐसी चीज में मत पड़िएगा जिसको आप जानते नहीं, ये याद, पहली बात। दूसरा, ये भाव भ्रम का है, खो जाने का है, चीजों के फौरन जाने का है, दूर चले जाने का है, अपने लक्ष्य से दूर नहीं जाना है, भ्रम में नहीं पड़ना है, भटकाव में नहीं आना है, अपने लक्ष्य पे लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, और तब तक हार नहीं मान लेना है जब तक कि आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते। अगर आपने पूरा प्रयत्न नहीं किया है या फिर जो पूरे से भी थोड़ा सा ज़्यादा प्रयत्न नहीं किया है तो छोड़ना नहीं है, ये याद रखना। ये यहाँ पर मंत्र है जो आपको ऊपर लेके ही जाएगा। वैसे कुछ अच्छा ही जरूर है, गुरु चांडाल भंग हुआ तो गुरु की जहाँ दृष्टि है वहाँ राहु का प्रभाव घट गया। अब राहु सबसे मायावी ग्रह, राहु ही वो जो आपको नीचे से ऊपर ले जाए, आसमान पर ले जाए, राहु ही वो ग्रह, पर वही ये ग्रह भी है जो आपको ऊपर से नीचे ले आए, जो दूसरे ग्रहों को कहीं ना कहीं नेगेटिवली, तभी तो इसको मायावी कहते हैं, तभी तो हम इसको पापी ग्रह कहते हैं। यही कारण है राहु केतु शनि पापी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका नेचर है कुछ ऐसा। पर यहाँ पर चूंकि गुरु धन भाव में आए और प्रथम भाव के स्वामी हैं, तो धन में हाँ पॉसिबिलिटी है कि आपको धन आए, पैसा आए, कहीं से आपकी अर्निंग बढ़ने लग जाए अक्टूबर के बाद, समय लगेगा इसमें, पर यहाँ पर खर्चा होने की भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो विशेष बात ध्यान रखनी है, लड़ाई झगड़े से बच के रहना है, उसको नहीं बढ़ाना है। गुरु का 1, 2, 3, 4 ये जो एस्पेक्ट था जो पिछले समय से थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर्ज आदि चीज़ें, राहु का भी यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा था, वो खत्म हो चुका है, क्योंकि राहु और गुरु अब अलग हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उससे उभर पाएंगे, इसमें आपकी हेल्प ज़रूर होगी। और इसके साथ साथ जो भाग्य में के कारण आपका साथ नहीं दे रहा था, खास करके बॉस आपको फेवर नहीं कर रहे थे, बड़े आपको फेवर नहीं कर रहे थे, उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, क्योंकि जब राहु यहाँ चल रहे थे तो ये इस गुरु के प्रभाव को रोक रहे थे कि कार्य में आपको उन्नति आए, बॉस आपका फेवर करे, बड़े आपका फेवर करें। पर इस सब के बावजूद यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि सब एकदम हो ही जाएगा। जो बातें मैंने बताई वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब कि एक तो अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है आपको, अपने सीनियर्स और गुरुओं से बना के भी रखनी है, उनकी रेस्पेक्ट भी करनी है, उनसे कुछ सीखना है, तभी वो आपको सलाह देंगे, तभी वो आपके काम आएंगे। धर्म के पाथ पर जाना, स्पिरिचुअलिटी का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12वां जो राशि है मीन, वो है ही स्पिरिचुअलिटी की। और छात्र जो लोग हैं इस समय, वो थोड़ा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों में ना पड़े, लक्ष्य पे ध्यान रखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई आपका लक्ष्य है, अगर आप ऑलरेडी पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं तो आपका जो काम है, जो जॉब है, उस पे ध्यान दें। फिर बाद में आप कहेंगे कि मैंने तो मेहनत की थी पर रिजल्ट नहीं आ रहा, पर सत्य है कि आपने पूरे दिल से मेहनत की ही नहीं, 70% की होगी, पर 100% करोगे तभी ये गोचर रिजल्ट देगा।
अच्छा, और क्या अच्छा रिजल्ट दे सकता है? देखिए, केतु सप्तम भाव में है, तो पार्टनरशिप में थोड़ा ध्यान रखना है, पार्टनर के प्रति विश्वास को बना के रखना है अपने पार्टनर के प्रति, छोटी मोटी बातों को लेके अपने पार्टनरशिप में बिगड़ाव नहीं लाना है। बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, नया बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है, पर आप ऑलरेडी बिजनेस में हैं तो यहाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर शायद आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या उनका इंटरेस्ट आप में नहीं है और आप उनसे दूर या कटने की कोशिश कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पर पहले एनालाइज कर लें, ये जो निर्णय है क्षणिक ना हो, मोमेंटम वाला ना हो, चूँकि राहु इज़ द शॉक ऑफ काल पुरुष, जो मोहिनी ने राहु केतु को काटा था ना, एक सेकंड में काटा था, तो यहाँ पर गुस्से में, क्रोध में, ईगो में किसी ने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया, आपने बिलीव कर लिया कि हाँ ऐसा ही है, पता लगा ऐसा था ही नहीं, और उस चक्कर में किसी अच्छे व्यक्ति को निकाल दिया या किसी कंपनी से निकल गए फालतू में, आपके बीच में जो मतभेद हुआ वो किसी छुपे लोगों की साजिश थी, केतु साजिश भी है, वास्तव में नहीं था, ऐसी चीज़ों से बचना है। यही प्रेम और प्यार में भी है कि एक दूसरे पर भरोसा रखना है, हालांकि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी प्रेयसी प्रीतमा या पत्नी पति जो है उतना आपके प्रति डिवोटी नहीं है, या वहाँ से आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, पर स्टिल आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कह सकते हो मैरिज लाइफ के लिए केतु का वहाँ आना बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लोग चाहे कुछ भी कहें, ऐसा नहीं, सब अच्छा ही है, हाँ कुछ चीज़ों में अच्छा भी है। आप चौथे भाव से राहु दशम जा रहे हैं तो घर जमीन से संबंधित चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। तृतीय भाव से ये राहु जो है 11 में जा रहे हैं तो आपका प्रयास, एफर्ट, हार्डवर्क जो आप करोगे तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ये आपको देंगे। पर पंचम भाव से अगर देखें तो ये आपके नवम है, मतलब पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखना है, प्रेम प्यार में ध्यान रखना है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान से काम लेना है, नहीं तो ये राहु आपको नेगेटिव फल भी दे सकते हैं। छठे भाव से देखा जाए तो ये आपके अष्टम जा रहे हैं, मतलब रोग ऋण शत्रु के लिए बढ़िया नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, पर गुरु की दृष्टि यहाँ इसको थोड़ा सा सेव कर रही है, ये जो भाव है इस पर जो गुरु की दृष्टि आ रही है इसलिए यहाँ पे प्लस लगाया है, क्योंकि वो गुरु की दृष्टि यहाँ पर सेव कर लेगी आपको, जो आपका रोग ऋण दूसरों से मतभेद चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं गुरु, अगर आपकी कुंडली में स्ट्रांग है तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, अगर राहु स्ट्रांग है तो वहाँ आपको अभी भी ख्याल रखना होगा। अष्टम भाव के लिए भी यहाँ पर आप राहु से अगर आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 छठे आ रहे हैं, तो राहु आपकी हेल्प करने वाले हैं अष्टम भाव से संबंधित चीज़ों में। ऊपर से गुरु की दृष्टि आ रही है तो इनहेरिटेंस से संबंधित ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते सुधर सकते हैं, हालांकि स्पाउस के साथ बिगड़ सकते हैं, याद रखिएगा, और ससुराल कहीं ना कहीं राहु केतु से जुड़ा होता है तो आपको सुधारने भी हैं। आपके जो नाना हैं और दादी हैं वो केतु का प्रतीक है, अगर वो हैं तो उनके लिए कुछ करना बहुत अच्छी बात है। आपके जो दादा हैं, आपके जो दादा हो गए और आपकी जो नानी हो गई, वो आपके राहु का प्रतीक है, अगर वो हैं तो उनके लिए सेवा करना, उनके लिए कुछ काम करना, उनकी किसी इच्छा को अगर आप पूरा कर सकते हैं किसी तरह से, उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो राहु केतु के लिए बहुत अचूक रेमेडी है। इसके साथ साथ राहु को हम बरहावतार से जोड़ते हैं, केतु को मत्स्य अवतार से जोड़ते हैं, इनकी कथाएँ सुनना, और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अगर आप फास्ट करते हैं तो राहु के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष में जो तृतीया होती है, भाद्रपद में भी शुक्ल पक्ष की तृतीया, चैत्र मास में भी शुक्ल पक्ष की तृतीया केतु, इस दिन जो है मत्स्य अवतार का जन्मदिन माना जाता है, इस दिन भी फास्ट रखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु के लिए जौ का दान करते हैं, केतु के लिए बाजरा का दान करते हैं, राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा होती है, केतु के लिए गणेश जी की पूजा होती है। राहु जहाँ भी होता है ना वो फैला देता है, चीज़ों को बढ़ा देता है, वहाँ आप दिखावा करना चाहते हैं, केतु जहाँ पर है वहाँ आप गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, उस चीज़ से डिटैच वो करना चाहेगा, तो रिश्तों से डिटैच करना चाहेगा। दो ही केस में आप रिश्तों से डिटैच होते हैं, या तो आपको अपने रिश्तों पर बहुत भरोसा है तो आप कहेंगे भैया आप कुछ भी कहें मुझे अपने स्पाउस पर भरोसा है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, या फिर आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपके पास बहुत पैसा है तो आप पैसे की फिक्र थोड़ी ना करेंगे, या फिर आपने इतना प्रश्न कर लिया पैसे के लिए, हर चीज़ लगा दी फिर भी नहीं बनता, तो फिर भी आप उसके बारे में एक तरह से सोचने लगते हैं कि यार बेकार है, उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, किसी और चीज़ पे ध्यान दो, कम से कम कोई रिजल्ट तो आएगा इस तरह से। तो ये केतु जो हैं आपको डिटैच कराते हैं, राहु आपको एडिक्शन कराते हैं। प्रथम भाव में है मीन राशि में, तो आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म में पढ़ सकते हैं, पर सोच के चलिएगा
कि भैया आप स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जान रहे तो ठीक है, अच्छा भी आपके लिए, पर क्या आपके लिए धन पैसा, जो फैमिली लाइफ, जो आपकी स्थिति है, उसमें आप सही निर्णय ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? कहीं अपने लक्ष्य से भटक जाओ। आजकल बहुत कुछ ऐसे कोर्स वगैरह चल रहे हैं जहाँ आपको मोक्ष तक ले जाने की गारंटी लोग देते हैं, पता लगा आप मोक्ष मिला ना राम, वो वाली बात हो गई, उस चीज़ में नहीं पढ़ना है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए आप गीता करें, फास्ट करें, अपने अंदर सुधार लाएं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकार, ऑफकोर्स आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी होगी, उसको दूर करना सीखें, एक एक चीज़ को दूर करना सीखें, उपनिषद पढ़ें, खुद उनको पढ़ने की कोशिश करें, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बारहवां भाव खर्चे का भी है, आपके प्रथम भाव में वहाँ राहु आ रहे हैं, फालतू की चीज़ों पर खर्चा कर सकते हो, जो धन आएगा उसको सब खर्च कर दो या कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कि उसका कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आगे जाके ना मिले, इस चीज़ से सावधान रहना ज़रूरी है। पिता से बना के रखें, गुरुओं से बना के रखें, धर्म के प्रति श्रद्धा को बना के रखें, ये भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी। अच्छा, इस राहु का एक सपोर्ट ज़रूर है यहाँ पर, राहु किसका चेला, शनि का, तो गुरु पीछे है, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, राहु किसकी रेस्पेक्ट करते हैं, गुरु की, तो वो वाले गुरु भी आ गए हैं, तो ये स्थिति ज़रूर है। ये कह रही है कि व्यक्ति प्लानिंग करेगा, लंबी हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, एम्बिशन भी उसके अंदर रहेगी, पर उसकी तरफ वो जाएगा ना, ज्ञान से जाएगा, बुद्धिमानी से जाएगा, फालतू में नहीं जाएगा, या फिर कोई भी काम करेगा तो अपना बैकअप लेके चलेगा, इसीलिए ये गोचर पॉजिटिव कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति बहुत कम बनती है कि शनि पीछे और गुरु आगे, तो इस समय बच्चे जो जन्म लेंगे उनकी जो एम्बिशन होंगी उसके लिए वो अपने बैकअप प्लान के साथ चलेंगे। राहु की सबसे नेगेटिविटी केतु की भी है, ये बिना सोचे समझे, केतु तो जल्दबाजी में, राहु इमोशन में गलती कर देते हैं, मतलब इमोशन मतलब कुछ चाहिए तो चाहिए, चाहे सर कट जाए पाना जरूर है, जैसा कि स्वर भानु ने किया था, प्लानिंग नहीं थी कि भैया आगे क्या होगा, ये चीज़ मतलब घर चाहिए तो चाहिए, क्रेडिट ले लेते हैं, अब ये नहीं सोचा कि चुकाना कैसे है। इन सब से बचना है आपको, दूसरा लक्ष्य से नहीं भटकना है, तब ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रथम भाव में कोई भी गोचर आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, बशर्ते आप खुद को भी बदलें। लॉजिकल होना अच्छी बात है, प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है, कोई भी चीज़ एक चीज़ से ज़्यादा बढ़ती है तो बुरी हो जाती है, जैसे बोलते ना अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न छाँव रे, अति की भली न धूप, उस चीज़ से बचना है, क्योंकि ये नोट्स होते हैं ना राहु केतु, एक्सट्रीम चीज़ें कराते हैं आपसे, तभी तो ये संन्यास को दिखाते हैं या फिर एकदम भोग को दिखाते हैं, या तो टेररिस्ट को दिखाते हैं, या फिर एकदम आपको कहेंगे धर्म को दिखाते, एकदम एक्सट्रीम चीज़ों की तरफ ले जाने की कोशिश करनी, आपको बीच के रास्ते पर रहना है, समझदारी से काम लेना है, तो ये गोचर आपके लिए शुभ ही होगा। इसी आशा के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। कुछ रेमेडीज अगर आप कहो या कुछ और चीज़ पॉजिटिव, ये है कि यहाँ पर राहु मित्रता में है, मित्र भाव में है, जिसकी राशि में है गुरु उससे भी मित्र में है, जो इनसे पीछे है सूर्य शनि उससे भी मित्र में है, कोई ग्रह अपने से, जो तीन ग्रह आगे तीन ग्रह पीछे, जो घर पीछे जो ग्रह होते हैं उनसे मित्र होता है, तो मित्र भाव में बैठना ये बहुत बड़ी बात है। इस कारण भी जो है राहु जो है ज़्यादातर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट निकाल कर आएंगे, लेकर आएंगे। तो अब वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, सोबत का ध्यान रखें, मतलब कुछ अच्छा नया बढ़िया देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, और अपने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाएं। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको ऐसा लगता है जो आपको एडिक्शन की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ, शॉर्टकट की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपको ऐसे सपने दिखा रहा है कि भैया इस चीज़ से तो बहुत लोग करोड़पति हो गए दो दिन में, चार दिन में, तो उनसे बचें, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा। नमस्कार।